मुरुम उत्खनन से पड़े गड्ढे में डूबने से भाई बहन की मृत्यु। भाई को बचाने के प्रयास में बहन भी डूबी। मोहाड़ी तहसील के ग्राम खड़की की घटना। भाई दूज के लिए माँ के साथ आए थे ननिहाल। जिले के मोहाड़ी तहसील के ग्राम खड़की में सोमवार 11 नवंबर को बकरियां चराने के लिए गए मासूम भाई बहन की खेत में मुरुम उत्खनन से बने गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। मृतक बच्चों के नाम दिव्या राजेंद्र वाडवे उम्र 14 वर्ष तथा प्रेम राजेंद्र वाडवे उम्र 10 वर्ष होकर गोंदिया जिले के मोरगांव अर्जुनी के बोनगांव निवासी है। बताया जाता है कि सोमवार 10 नवंबर को खड़की गांव में आयोजित मंडई मेला देखने और भाई दूज के लिए अपनी मां शर्मिला वाडवे के साथ दोनों बच्चे ननिहाल आए थे। इस घटना में मां ने अपने दोनों बच्चों को खो दिया। इस घटना से दोनों गांव में मातम फैला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खड़की में मंडई मेले का आयोजन किया गया था, जिससे मंडई और भाई दूज के मौके पर शर्मिला अपने दोनों बच्चों के साथ मायके आई थी। मंडई के दूसरे दिन दिव्या अपने भाई प्रेम व गाँव की 13 वर्षीय बच्ची प्रिंसी योगेश्वर वरखड़े के साथ बकरियां चराते हुए ईश्वर ठौकरे के खेत में पहुंचे। वहां मुरुम के उत्खनन से बने गड्ढे में पानी भरा था, जिसमें प्रेम उतरा तो वह डूबने लगा। यह देखकर बड़ी बहन दिव्या उसे बचाने के लिए पानी में उतरी। दोनों को डूबता हुआ देख प्रिंसी वरखड़े ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, पर वह पानी में फिसलने लगी। जैसे तैसे प्रिंसी ने खुद को पानी से बाहर निकाला और गांव में जाकर घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने खेत में दौड़ लगाई और दिव्या और प्रेम को पानी से बाहर निकाल कर करडी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने दिव्या को मृत घोषित किया। वहां से प्रेम को भंडारा की अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित किया।